हरियाणा की राजनीति में चल रही देवर भाभी की लड़ाई राजनीतिक पंडितों के लिए कौतूहल का विषय बनी है। इंडियन नेशनल लोकदल की विधायक नैना चौटाला और विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों एक दूसरे को चुनौती देने में लगे हैं। नैना चौटाला अभय चौटाला को उसे पार्टी से निकालने की बात कह रही है। नैना चौटाला का तर्क है कि अगर उनके देवर अभय चौटाला ने उनके पूरे परिवार को पार्टी से निकाल दिया तो फिर उसे निकालने में देर क्यों की जा रही है। दूसरी तरफ अभय चौटाला अपनी भाभी नैना चौटाला को विधायक पद से इस्तीफा देने की चुनौती दे रहे हैं। अभय चौटाला का कहना है कि अगर नैना चौटाला में दम है तो वह विधानसभा से त्याग पत्र देकर दिखाए। दोस्तों, देवर भाभी की इस जुबानी जंग में बड़े कानूनी दाव पेच फंसे हुए हैं। दल बदल निरोधक कानून के अनुसार अगर अभय चौटाला अपनी भाभी को इंडियन नेशनल लोकदल से निकालते हैं तो पार्टी का एक विधायक कम हो जाएगा, पर नैना चौटाला की विधानसभा की सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर नैना चौटाला विधानसभा से इस्तीफा देती है तो उनको दोबारा चुनाव मैदान में उतरना होगा। आइए अब जरा इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों धड़ों की स्थिति का आकलन भी कर लेते हैं। पार्टी संगठन पर पूरी तरह से अभय सिंह चौटाला का नियंत्रण है, लेकिन प्रदेश की जनता पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अजय सिंह की पत्नी नैना चौटाला और बेटे दुष्यंत दिग्विजय राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा परिपक्व दिखाई देते हैं। विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल के 19 सदस्य हैं। इनमें से 4 विधायक खुलेआम अभय सिंह चौटाला के खिलाफ चल रहे हैं। फरीदाबाद के विधायक नगेंद्र भडाना काफी समय से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नजदीक माने जाते हैं। डाबाली से विधायक नैना चौटाला ने अभय चौटाला के विरोधी गुट की कमान संभाल रखी है। नैना चौटाला को उकलाना से विधायक अनूप धानक और चरखी दादरी से विधायक राजवीर फोगाट का भी समर्थन हासिल है। इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों धड़ों के लिए दिसंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। 1 दिसंबर से अभय चौटाला प्रदेश भर में रैलियों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान वे भाजपा और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाएंगे। जाहिर है इन रैलियों में अभय चौटाला अपनी भाभी नैना चौटाला और भतीजों दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला पर भी हमले करेंगे। दूसरी तरफ 9 दिसंबर को जींद में रैली करके दुष्यंत चौटाला अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के काफी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इन एलओ के कुछ बड़े नेताओं के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात भी चल रही है। पार्टी के काफी नेता और कार्यकर्ता दोनों धड़ों में से किसी एक के साथ अपनी प्रतिबद्धता साफ कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के बड़ी संख्या में ऐसे लोग नेता भी हैं जो शक्ति संतुलन साफ होने की इंतजार कर रहे हैं। इस तरह के नेता जिसका पलड़ा भारी होगा उसकी तरफ झुकने में देर नहीं लगाएंगे। यहाँ यह भी बता दें कि दल बदल निरोधक कानून के अनुसार अगर 1/3 विधायक अलग होते हैं तो उसे दल बदल नहीं विभाजन माना जाएगा। इसका अर्थ साफ है कि अगर 6 विधायक इनेलो से त्याग पत्र देते हैं तो उनकी सदस्यता बने रहेगी और अभय चौटाला का नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाएगा। इसके अलावा विधानसभा का 1 साल का समय बचा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करवाने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में चुनाव में मात्र 6 महीने का समय है। नैना चौटाला और उनके सहयोगी विधायक इस्तीफे देकर अभय चौटाला को शह देने का काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देवर अभय चौटाला और भाभी नैना चौटाला की इस लड़ाई में नैना चौटाला के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जो भी नुकसान होना है वह देवर अभय चौटाला का ही होना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।